नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 मार्च दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य के अर्ध निर्मित 166 पंचायत सरकार भवन जल्द होंगे पूरे। H3N2 इन्फ्लुएंजा से ऐसे रहे सावधान। 18 मार्च से पैक्स कर्मियों की नियमावली होगी लागू। ईडी की रेड पर तेजस्वी यादव का बयान आया सामने। भारत ने जीता बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, लगातार दूसरी बार WTC फाइनल में पहुंची टीम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कर्मचारी चयन आयोग ने 5,369 पदों पर निकाली वैकेंसी। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के अंतर्गत 5,369 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार 27 मार्च 2023 को 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। इसके लिए आवेदन भरने के इच्छुक उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह भर्ती SSC ने 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएट छात्रों के लिए है। मालूम हो कि एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 दिन पहले जारी किया जाएगा। राज्य के अर्ध निर्मित 166 पंचायत सरकार भवन जल्द होंगे पूरे। अनुश्रवण पदाधिकारी कल्पना कुमारी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार यह जानकारी मिली है कि पंचायती राज विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों के पूर्ण होने के लिए राशि की स्वीकृति कर दी गई है। बता दें कि फिलहाल इन अर्ध निर्मित भवनों का पूरा करने के लिए पंचायती राज विभाग के द्वारा 324,20,709 रुपए जारी कर दिए गए हैं। मालूम हो कि इसकी जानकारी विभाग की ओर से महालेखाकार बिहार को दे दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभाग के द्वारा जारी किए गए इन पैसों से पंचायती राज विभाग के 3 जिलों गोपालगंज, रोहतास व पूर्वी चंपारण के 166 अर्ध निर्मित पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। मालूम हो कि राज्य के सभी पंचायत मुख्यालय में पंचायत सरकार भवन के निर्माण का कार्य किया जाना है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे साइक्लोपियन दीवार के बारे में। एक साथ लगे हुए बड़े पैमाने पर अवांछित पत्थरों से निर्मित यह दीवार प्राचीन ग्रीक दीवारों के साथ अपनी समानता के लिए लोकप्रिय है। राजगीर का प्राचीन शहर राजा बिम्बिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु की राजधानी थी, जो बुद्ध के समकालीन थे। शहर के चारों ओर एक किलाबंद दीवार के निशान पाए जाते हैं। इस दीवार को बड़े पैमाने पर अवांछित पत्थरों के साथ बनाया गया था, जिसकी चौड़ाई लगभग 14 है। इससे प्राचीन ग्रीक दीवारों के साथ अपनी समानताओं के लिए साइक्लोपियन दीवार के रूप में लोकप्रिय रूप से कहा जाता है। दीवार को मजबूत करने के लिए अंतराल पर गढ़ बनाए गए थे। पाली ग्रंथों के अनुसार किलाबंद शहर में प्रवेश करने के लिए 32 बड़े द्वार और 64 छोटे थे। रत्नागिरी पहाड़ी के साथ चल रही इस प्राचीन विशाल दीवार का काफी हिस्सा अभी भी वहां है, जो पहाड़ी के आधार से ढाल की ओर शुरू होता है। 2025 तक बिहार के पास 29% अधिक होगी सरप्लस बिजली। कभी बिहार की गिनती उन राज्यों में की जाती थी जो बिजली की किल्लत को झेलते थे, लेकिन बता दें कि अब इसी बिहार के पास वर्ष 2025 तक आवश्यकता से करीब 29% अधिक सरप्लस बिजली होगी, जिसका उपयोग राज्य के बिजली आपूर्ति कंपनियां खुले बाजार में बेचने के लिए कर सकते हैं, जिससे कि राज्य में राजस्व का अर्जित अलग से भी किया जा सकेगा। मालूम हो कि ऊर्जा विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में बिजली की पीक सप्लाई और पीक डिमांड के मुकाबले 67 मेगावाट कम थी, जो कि वर्ष 2024-25 तक बढ़कर 1,284 मेगावाट अधिक हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार को यह सरप्लस बिजली NTPC की विभिन्न यूनिटों रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सहित विभिन्न माध्यमों के साथ किए गए समझौते के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। H3N2 इन्फ्लुएंजा से ऐसे रहे सावधान। इन दिनों पूरे देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। वहीं इस मामले पर दिल्ली एम्स के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के द्वारा इससे सावधान कैसे रहा जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर इस वायरस से बचना है तो कोविड अनुरूप व्यवहार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि फेस मास्क और हाथ धोने की आदत का पालन करें। इसके साथ ही सभी को टीका लगवाना भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य है। इस वायरस से खास तौर पर बच्चे और बूढ़े बुजुर्गों को बचाने की जरूरत है, इसलिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही आप घर में मौजूद बुजुर्ग और अन्य बीमार लोगों को अलग थलग रख सकते हैं।
दाखिल खारिज के बदले नियम। राज्य के भूमि समस्या से ग्रस्त लोगों को राहत मिल सके, इसको लेकर बिहार सरकार के द्वारा दाखिल खारिज के नियमों में बदलाव किया गया है। बता दें कि अब दाखिल खारिज से जुड़े वैसे मामले जो 2006-07 के पहले के हैं, उसके निष्पादन के लिए अब लोगों को ऑनलाइन आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि जिला भूमि सुधार उप समाहर्ता यानी कि DCLR कोर्ट में जाकर अपना अपील दायर करना होगा। मालूम हो कि इसके लिए सॉफ्टवेयर में जरूरी संशोधन कर दिया गया है। इस बात की जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जयसिंह के द्वारा सभा समाहर्ता को एक पत्र लिखकर दिया गया है। वह इसको लेकर सभी DCLR को यह निर्देश दे दिया गया है कि दाखिल खारिज अपील वाद मामले में वर्ष 2006-07 के पूर्व के मामलों को भी ऑनलाइन स्वीकार करने की कार्रवाई सुनिश्चित कर ले। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पर सीएम नीतीश ने कहा ये। बीते दिन बिहार विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायक ललन सिंह के द्वारा बिहार में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को लेकर सदन में सवाल उठाया गया, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि जब राज्य सरकार में हम और आप थे तभी ये योजना जोर शोर से चली थी। इस योजना के जरिए बहुत सी महिलाएं उद्यमी बनी है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में उद्योग विभाग द्वारा चयनित उद्यमियों को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें 5 लाख अनुदान और 5 लाख का कर्ज दिया जाता है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी से सवाल पूछते हुए कहा कि आप सभी यह भूल क्यों गए। उन्होंने कहा कि यह योजना सभी का है, इसलिए अगर कोई अल्पसंख्यक है या महिला है या किसी अन्य वर्ग के जरूरतमंद है तो उनको बता दीजिए, सभी योग्य लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। बिहार के आर्टिस्ट की पेंटिंग छाई दुबई में। बिहार के आर्टिस्ट ने दुबई में न केवल अपने देश बल्कि अपने राज्य का भी परचम लहरा दिया है। बता दें कि बिहार के पूर्णिया के चित्रकार राजीव रंजन की कुल 9 पेंटिंग को दुबई ट्रेड फेयर के अंतर्गत वर्ल्ड आर्ट दुबई के आर्ट फेयर में लगाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पेंटिंग प्रदर्शनी 9 मार्च से 12 मार्च तक लगाई गई थी। मालूम हो कि इस फेयर में राजीव रंजन के द्वारा अपने कोसी पेंटिंग शैली को प्रदर्शित किया गया था। वहीं उनके पेंटिंग को लेकर प्रदर्शनी के प्रायोजक एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव श्रीमती अंजलि भगत द्वारा बताया गया है कि राजीव रंजन की पेंटिंग में प्रकृति एवं सौंदर्य विशेष को दिखाया गया है जो कि सबसे हटकर है। यहां के लोगों को राजीव रंजन की पेंटिंग काफी पसंद आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब राजीव रंजन की पेंटिंग को प्रदर्शनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। उससे पहले भी उनकी पेंटिंग की प्रदर्शनी स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग प्रदर्शनी और जापान के टोक्यो में इंटरनेशनल आर्ट फेयर में किया जा चुका है। NMCH के लापता डॉक्टर को ढूंढने पर मिलेगा 2 लाख रुपए। पिछले 12 से अधिक दिनों से लापता NMCH के फार्माकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष सह परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार को लेकर अब तक पुलिस को कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाई है। इसी को देखते हुए पुलिस की सक्रियता इस मामले में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बता दें कि अब पटना SSP राजीव मिश्रा के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि जो भी व्यक्ति NMCH के लापता डॉक्टर संजय कुमार को खोज कर लाता है तो उसे पटना पुलिस के द्वारा 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर संजय कुमार 1 मार्च से लापता है। अंतिम बार उन्हें CCTV फुटेज की मदद से गांधी सेतु पर अपनी कार पार्क करके हाजीपुर के तरफ जाते हुए देखा गया था। वहीं एक तरफ जहां उनके बारे में किसी प्रकार की कोई सूचना न मिलने से IMA के डॉक्टरों के द्वारा नाराजगी जताते हुए मोर्चा खोल दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी प्रोफेसर सालनी के द्वारा भी सरकार से मांग की गई है। लॉ कॉलेज की स्थिति को लेकर पटना हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। बीते दिन यानी कि सोमवार को पटना हाई कोर्ट के ACJ जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ के द्वारा राज्य में स्थित लॉ कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव के मामले पर कुणाल कौशल के द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर कार्यालय को हलफनामा दायर कर यह बताने का दिशा निर्देश दिया गया है कि अब तक राज्य में लॉ की पढ़ाई के लिए क्या क्या सुधारात्मक कार्रवाई किया जा सका है, और साथ ही यह भी बताने को निर्देश दिया गया है कि लॉ कॉलेजों में छात्रों को पढ़ने के लिए UGC मानक के तहत नेट PhD डिग्री वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है या नहीं। बता दें कि इस मामले पर कोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी। उत्तर बिहार के इन जिलों को लेकर IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट। उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में पिछले कई दिनों में मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण 2 दिन बाद उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी पूर्वानुमानित की अवधि में मुजफ्फरपुर वैशाली सिवान के जिलों में बारिश होगी। इस बीच दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हो गई है, जिससे दिन में लोगों को गर्मी का एहसास अधिक हो रहा है। पूर्व अनुमानित अवधि में औसत 8 से
12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगले एक दो दिनों में पूर्वा हवा उसके बाद पछिया हवा चलने की संभावना जताई गई है। इग्नू में 17 नए कोर्स की होगी पढ़ाई। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की गाइडलाइन के तहत 17 नए यूजी पीजी सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई की स्वीकृति दे दी गई है। बता दें कि इन कोर्स में ज्यादातर कोर्स स्किल बेस्ड है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीवी के द्वारा इन सभी कोर्स की शुरुआत रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है, जिसमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेकर डिस्टेंस मोड में ऑफलाइन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इन कोर्स में ऑनलाइन तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ नए कोर्स की शुरुआत पीजी के लिए भी की गई है, जैसे फ्रेंच और रसायन आदि। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रामनाथ गोयनका के बारे में। रामनाथ गोयनका एक भारतीय समाचार पत्र प्रकाशक थे। उन्होंने 1932 में द इंडियन एक्सप्रेस लॉन्च किया और विभिन्न अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा प्रकाशनों के साथ इंडियन एक्सप्रेस समूह बनाया। 2000 में इंडिया टुडे पत्रिका ने उन्हें 100 पीपल हु सेप्ट इंडिया की सूची में शामिल किया। पत्रकारिता पुरस्कारों में रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता। रामनाथ गोयनका के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत के पुरस्कारों में से एक है। बता दें कि 1971 के भारतीय आम चुनाव में गोयनका को भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में विदिशा लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया था। भारत के आपातकाल के दौरान रामनाथ गोयनका उन कुछ व्यापारियों और पत्रकारों में से एक थे जिन्होंने इंदिरा गांधी सरकार का विरोध किया था। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर बोले एडीजी। तमिलनाडु मामले में सोशल मीडिया पर तथा कथित हिंसा की खबर को फैलाने वाला यूट्यूबर मनीष कश्यप फरार चल रहा है और लगातार दिल्ली में कई मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दे रहा है। वहीं अब इसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा यह कहा गया है कि इस मामले को लेकर पुलिस की टीम गठित की गई है जो लगातार छापेमारी का काम कर रही है और बहुत जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य की भी जल्द ही कर ली जाएगी। मुख्यालय की ओर से पुलिस के कल्याण के लिए भी कदम उठाए गए। उन्होंने बताया कि बीमारी के हालत में पुलिस कर्मियों को 3 लाख तक का ब्याज रहित सहयोग दिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस कर्मी वे रकम 6 महीने के बाद किस्तों में वापस कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस कर्मी को अपने बच्चों के लिए स्टडी के लिए जो भी कर्ज दिए जाते थे उसे भी अब दुगना कर दिया गया है। 18 मार्च से पैक्स कर्मियों की नियमावली होगी लागू। सहकारिता विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद राज्य में पैक्स कर्मियों की नियमावली 18 मार्च से प्रबंध समिति की बैठक कर लागू कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नियमावली को प्रबंध समिति के द्वारा मुहर लगाए जाने के बाद लागू किया जाएगा। मालूम हो कि वर्ष 2008 के बाद पैक्सों को स्वायत्तता मिलने के बाद यह पहली बार है जब पैक्स कर्मियों के लिए सेवा नियमावली तैयार की गई है। इस नियमावली में पैक्स कर्मियों की संख्या, पात्रता एवं नियुक्ति प्रक्रिया भी शामिल होंगी। 18 मार्च को होने वाले बैठक के बाद विभाग के द्वारा इसकी सूचना जिला सहकारिता पदाधिकारी को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन देने को कहा गया है। तेज प्रताप के घर चोरी को लेकर जिस पर कराया गया था केस दर्ज, उसने कहा ये। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और नीतीश सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मंत्री तेज प्रताप यादव के घर 3 स्टैंड रोड से लाखों की चोरी हो गई थी, जिसको लेकर तेज प्रताप यादव के निजी सहायक के द्वारा सचिवालय थाना में होली खेलने आए कलाकारों के खिलाफ तेज प्रताप यादव को जान से मारने की धमकी और चोरी करने को लेकर FIR दर्ज करवाया गया था। वहीं अब जिसके खिलाफ FIR दर्ज करवाया गया था उसने बताया है कि उसका संबंध तेज प्रताप यादव से 20-25 साल पुराना है और आए दिन उनका मंत्री से बात होते रहता है। वहीं दीपक के मुताबिक तेज प्रताप यादव ने होली कार्यक्रम को लेकर वृंदावन से एक मंडली मंगवाई थी जिसे 60,000 रुपए में तय किया गया था, लेकिन मंत्री के सहायक के द्वारा एडवांस के रूप में ऑनलाइन तरीके से 10,000 रुपए भेज दिए गए थे। दीपक का आरोप है कि कई बार मांगने के बाद भी मंत्री के द्वारा तय की गई राशि उन्हें नहीं दी गई है। विजय सिन्हा ने जमकर सीएम नीतीश पर साधा निशाना। बीते दिन बिहार विधानसभा का 7वां दिन था जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। वहीं सदन से बाहर आने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार अब चरम सीमा पर है। चेटली में जो नरसंहार हुआ उस पर सरकार की ओर से कुछ नहीं बोला गया, जबकि सरकार को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए था। इसके अलावा तमिलनाडु में जो मजदूर मारे गए हैं और उस पर जो जांच हुई है उस पर भी सदन में सरकार को अपनी बातें रखनी चाहिए थी। बिहार के लोग बंधुआ मजदूर बनकर दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, लेकिन इन सब पर सरकार के द्वारा कोई बात नहीं की जाती और न ही लोगों को रोजगार दी जाती है ताकि उन्हें बाहर जाकर काम न करना पड़े।
ईडी की रेड पर तेजस्वी यादव का बयान आया सामने। ईडी की रेड के बाद पहली बार बीते दिन यानी कि बिहार विधानसभा के सातवें दिन विधानसभा पहुंच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मीडिया से रूबरू हुए। उस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम लोग असल समाजवादी लोग हैं, इन लोगों के झूठे अफवाह फर्जी मुकदमे से लड़ने के लिए जिगर चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जिगर है, राजनीतिक जमीन भी है और जमीर विचार भी है। उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारी सरकार बिहार में बनी थी उस दिन ही हमने कह दिया था कि इस तरह की बातें आगे भी होती रहेंगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 600 करोड़ से पहले 8000 करोड़ का हिसाब बीजेपी वाले को देना चाहिए। लोग कहते हैं कि मेरे पास से खजाना मिला है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे पास से ठेंगा मिला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले पंचनामा जारी करें, नहीं तो हम कर देंगे। बिहार दौरे पर आएंगे AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी। AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी 18 और 19 मार्च को अधिकार यात्रा के तहत बिहार के सीमांचल आ रहे हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान के द्वारा दी गई है। मालूम हो कि इन्होंने यह सभी बातें बीते दिन कटिहार में कहा। उन्होंने कहा कि राजद ने AIMIM के 4 विधायकों को तोड़कर खुद को बड़ी पार्टी बनवाया है। उन्होंने कहा कि सीमांचल के मैंडेट से ही महागठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन महागठबंधन की ओर से सीमांचल के लिए कुछ नहीं किया गया। ऐसे में इस क्षेत्र की आवाज को बुलंद करने के लिए आने वाले 18 और 19 मार्च को AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल का दौरा करेंगे। रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर बोला हमला। केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग करने को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर शेयर कर केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है। बता दें कि इस तस्वीर के साथ रोहिणी आचार्य के द्वारा ट्वीट भी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा वो वॉशिंग मशीन है जिसको ज्वाइन करते ही भ्रष्टाचार के सारे दाग रातों रात ईमानदारी के सफेदी के चमकार में बदल जाते हैं और इसके कई जीवंत उदाहरण हैं, जैसे व्यापम घोटाले का आरोपी शिवराज सिंह चौहान, स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते पकड़ा गया शुभेंदु अधिकारी है। इसके साथ ही रोहिणी ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि तरीपार की पार्टी का एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने व्यापम घोटाले के दाग मिटाने के लिए न जाने कितने लोगों का जान ले ली और जांच एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रही सुनते रहे। तरीपार के पार्टी के लोग उसे मामा कहते हैं, लेकिन वो मामा नहीं, कंस भी बड़ा जल्लाद है। प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु के सीएम को कहा शुक्रिया। राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा ट्वीट कर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को शुक्रिया कहा गया है। दरअसल उन्होंने यह धन्यवाद हिंदी भाषियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले सेंथा मिजन सिमान की गिरफ्तारी पर किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि धन्यवाद एमके स्टालिन सर इस त्वरित कार्यवाही के लिए। बता दें कि इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने सेंथा मिजन सिमान के एक भड़काऊ भाषण का वीडियो पोस्ट किया था और कहा था कि नफरत और हिंसा भड़काने के लिए फर्जी वीडियो का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों से कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए, लेकिन यह उन लोगों को दोष मुक्त नहीं करता है जो खुले तौर पर तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ हिंसा का आह्वान कर रहे हैं। चहेतों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती सेंथा मिजन समान पर उनके कटु वचनों के लिए। भारत ने जीता बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, लगातार दूसरी बार WTC फाइनल में पहुंची टीम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज का चौथा और अंतिम मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। इसी के साथ भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 175-2 पर समाप्त हुई। हालांकि दिन का खेल खत्म होने में समय था, लेकिन दोनों टीमों की सहमति से मैच खत्म कर दिया गया। इस दौरान क्रीज पर मार्नस लेबुशेन 63 रन और कप्तान स्टीव स्मिथ 10 रन बनाकर मौजूद थे। विराट कोहली को शानदार शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि रविचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम ने एक बार फिर बेहद ही रोमांचक अंदाज में टेस्ट मैच जीता है। इस बार कीवी टीम ने श्रीलंका को हराया और न्यूजीलैंड के इस रोमांचक जीत से भारत को जबरदस्त फायदा हुआ है। न्यूजीलैंड की जीत से भारतीय टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। सन 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आड़ा का मुंबई में प्रदर्शन हुआ। सोनिया गांधी 1998 में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनी। गणित प्रेमियों के लिए खास दिन पाई डे 1988 में पहली बार मनाया गया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान का 1965 में जन्म हुआ। मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला का 1972 में जन्म हुआ। 1963 में भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण व्यास का निधन हुआ। 2010 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मराठी कवि गोविंद विनायक करंदीकर का निधन हुआ।
वायरल खबर में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गवर्नमेंट ज्ञान नामक यूट्यूब चैनल का एक वीडियो में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना के तहत सभी बेटियों को 1,80,000 रुपए की नगद राशि दे रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वीडियो फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स को मिली एक खास पावर। अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े हुए होंगे। कुछ लोग इसके एडमिन यानी ग्रुप के मालिक होते हैं। वहीं अब व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स को व्हाट्सएप ने एक खास पावर दे दी है। व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info के मुताबिक व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो ग्रुप एडमिन को नए पार्टिसिपेंट को अप्रूव करने की सुविधा देगा। यानी नए अपडेट के बाद यदि कोई व्यक्ति ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो उसे पहले ग्रुप एडमिन अप्रूवल देगा और तभी वह व्यक्ति ग्रुप से जुड़ पाएगा। ग्रुप एडमिन को यह खास पावर मिलने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इससे स्पैम मैसेज और मंचलों का ग्रुप से दूर रखा जा सकेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, मोटू रंगीला, विपिन लाल वर्मा, एचके मल्होत्रा, शंकर मुखिया, मोहम्मद सकीर हुसैन, अंशु कुमार, प्रहलाद कुमार, सोनू यादव, अनमोल कुमार, नरेश राम, कन्हैया कुमार, राजेंद्र सिंह, विकास दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है MLC के 4 सीटों पर होने वाले चुनाव और 1 सीट पर होने वाले उपचुनाव में आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।